Hello everyone, in this video we will study about the abiotic component. So let's start. Abiotic component, what it means non-living thing, hai na? Include physical condition and non-living material that affect the growth, maintenance, reproduction of living component and can interact with each other. तो देखो non-living thing matter the most, ठीक है, बहुत ही important होता है. Without non-living thing we cannot survive, life exist ही नहीं कर सकता, ठीक है. Water, air, light, temperature, soil, etc. ओके, रॉक्स ऑल्सो, ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग थिंग का और ये बहुत ही नेसेसरी होता है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए. दिस नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म द फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट इन नेचर. तो यही नॉन लिविंग कंपोनेंट एबायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं. ओके, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो देखो वाटर बहुत ही नेसेसरी होता है. विदाउट वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना. एंड वाटर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है. इट इज नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. और ये हम वेरियस पर्पोज में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, फॉर वॉशिंग ऑल्सो, है ना. एनिमल एंड प्लांट्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. जितने भी लिविंग बॉडीज होते हैं वो बिना पानी के रह नहीं सकेंगे, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स. इरीगेशन पर्पोज में भी पानी का यूज़ होता है. ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ. सो बहुत सारे पर्पोज के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना. सो नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब इसका क्या मतलब है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन. जब बारिश होता है तब रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, इसी को ही हम बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर कैन बी स्टोर अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर. तो यहाँ पर पानी को ग्राउंड में और एल्स अंडरग्राउंड में स्टोर किया जाता है एंड बाद में उसको यूज़ किया जाता है. दिस हैपन नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज. ये रूरल एरियाज में ज़्यादा इसको करते हैं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं. कैसे? देखो रूरल एरियाज में ज़्यादा स्पेस होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा पॉन्ड भी दिखने को मिलता है, लेक्स दिखने को मिलते हैं, डैम्स दिखने को मिलते हैं, है ना. तो जब बारिश होगा तो पॉन्ड में, डैम्स में पानी स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड उसको हम लेटर और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है ना. क्यों? बिकॉज वहाँ पर स्पेस इतना नहीं होता है, बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है ना. सो लेकिन एक तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. कैसे? मतलब रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब छत में पानी को स्टोर करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, वहाँ पर छत में पानी को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है. जब बारिश होगा छत में पानी कलेक्ट हो जाएगा एंड पाइप के थ्रू से उसको पीट टैंक्स, स्मॉल वेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. ओके, सीन्स द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पोज ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन. तो देखो पानी का गंदा होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसीलिए आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन हाउस होल्ड पर्पोज के लिए ही हाउस होल्ड पर्पोज में यूज़ कर देना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल. दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज. तो देखो अगर सिटीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए तो वहाँ वाटर की कमी ही नहीं होगी, है ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सब सॉइल का वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि प्लांट ईजिली ग्रो कर सकते हैं, है ना. सब सॉइल का क्या मतलब? जो मिट्टी ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम टॉप सॉइल बोलेंगे, ठीक है. एंड टॉप सॉइल के नीचे ही सब सॉइल प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इफ रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड इट फ्लो डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन एंड थस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़. तो देखो अगर हम पानी को रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बह जाएंगे, रिवर में जाके मिल जाएंगे, ड्रेन में जाके मिल जाएंगे, है ना. और जब हमको पानी का रिक्वायरमेंट होगा तब हमको टाइमली नहीं मिलेगा, है ना, पानी की कमी होगी. द रेन वाटर दैट फॉल ऑन रोड्स और कंक्रीट एरियाज गोज इन टू द ड्रेन. जो रेन वाटर रोड में, कंक्रीट एरियाज में गिरते हैं और ड्रेन में जाके मिल जाते हैं, है ना. द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सीप इन टू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. एंड जो अनट्रीटेड ग्राउंड में गिरते हैं वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ग्राउंड वाटर में जाकर स्टोर हो जाते हैं. ओके, इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मैथड
method need to be used in different areas to collect एंड यूज़ रेन वाटर. तो डिफरेंट मैथड्स यूज़ करना चाहिए रेन वाटर कलेक्ट करने का, ताकि हमको बाद में पानी की कमी ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इज एयर. एयर इज़ ऑल्सो नेसेसरी. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, है ना. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर ज़रूरी होता है. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज. एयर में बहुत सारे गैसेज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत सारे अदर गैसेज भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन इनका अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है. प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. ठीक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं लिविंग बॉडीज. प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. सो प्लांट क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. बिसाइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज वेरी मैनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. तो कुछ ये गैसेस को छोड़कर कुछ अलग चीज़ें भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट, जर्म्स, है ना. क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. ऑब्वियसली क्लीन एयर बहुत ही नेसेसरी है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन आजकल जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लीन एयर मिलना इम्पॉसिबल हो जा रहा है ना. इसलिए हमको ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए ताकि हमको साफ ऑक्सीजन मिले, है ना. सो नेक्स्ट इज़ लाइट. लाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट. तो नेचुरल लाइट हमको दो तरीके से मिल रहा है, एक तो दिन में सन के थ्रू से एंड रात में मून के थ्रू से, है ना. द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट द सन लाइट. तो देखो, मून का अपना लाइट नहीं होता है, वो सन का रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, हैंस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. इसीलिए सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट बोलते हैं. दिस नेचुरल लाइट इज़ यूज बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड. एंड इसी नेचुरल लाइट को प्लांट यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं, है ना. लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, है ना. अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना. लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. प्लांट खाना बना रहे हैं एंड वी पीपल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, है ना, फॉर द फूड. प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं सनलाइट को यूज़ करके. लाइट पेनिट्रेट इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज. तो देखो, लाइट फॉरेस्ट में भी गिरता है एंड वाटर बॉडीज में भी गिरता है. एक्वाटिक प्लांट यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक अदर प्लांट. तो पानी के अंदर भी जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट का यूज़ करके खाना बनाते हैं लाइक अदर प्लांट्स. ठीक, हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दिस प्लांट्स डिक्रीज with an increase in the depth of water. That is why very few plant are able to survive in the deep water. तो देखो, पानी के अंदर भी लाइट पहुँचता है, इसीलिए प्लांट्स उधर भी ग्रो करते हैं. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट वे में लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी. देखो, पिक्चर दिखाया गया है मॉर्निंग ग्लोरी का. जब सनलाइट, सनराइज होगा, तो ये प्लांट, ये फ्लावर जो होते हैं, वो खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. एंड जब सनसेट होता है, ये क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, इन सम प्लांट द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. कुछ लीव्स भी ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम में खुल जाते हैं और रात के टाइम में बंद हो जाते हैं. ओके, द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन. सनफ्लावर तो बेस्ट एग्जाम्पल है, ये सबने देखा भी होगा. सनफ्लावर सन की तरफ फेस क्या होता है, है ना. मॉर्निंग टाइम में ईस्ट की तरफ फेस क्या होता है एंड इवनिंग टाइम में वेस्ट की तरफ टर्न किया होगा, है ना. नेक्स्ट इज एनिमल ऑल्सो सो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम. एनिमल्स भी वेरिएशन शो करते हैं. कैसे? मोस्ट ऑफ द एनिमल आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज लाइट. देखो, ऑब्वियसली हम दिन के टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, रात में इतना काम नहीं करते, रात में सोते हैं हम, है ना. सम एनिमल लाइक रैट्स, कॉकरोच एंड आउल आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि रैट, कॉकरोच, आउल्स. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस. तो टेम्परेचर से हमको पता चलता है कि हॉटनेस कितना है, कोल्डनेस कितना है ना. इट कैन बी मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ये
इसको मेजरिंग इसका मेजरिंग डिवाइस कौन सा है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड प्लेस टू प्लेस जगह से जगह टेम्परेचर वेरी करता है। क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। ओके, टेम्परेचर भी वेरी करेगा। टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, इसी के लिए प्लांट एंड एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस एंड रेंज, टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर। तो देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक टॉलरेंस कैपेसिटी होता है, ठीक है। हम ज़्यादा ज़्यादा हॉटनेस सह नहीं पाएंगे या ज़्यादा कोल्डनेस सह नहीं पाएंगे। एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं पिक्चर। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट। मोस्टली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो वार्म प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है, गर्म प्लेसेस में ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, ठीक है। काओ कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफालो। काओ हॉट को टॉलरेट कर लेता है लेकिन बफालो नहीं कर पाते हैं। वी ऑफ्टन सी बफालो कूलिंग देमसेल्फ इन पॉन्ड ड्यूरिंग द समर। तो देखना, गर्मी के टाइम में बफालो खुद को कूल कर रहे होते हैं पॉन्ड में, है ना। दिस इज़ बिकॉज बफालो आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव सफिशेंट स्वेट ग्लैंड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर, है ना। देखना, अगर हम ब्लैक ड्रेस पहने तो हमको ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि ब्लैक हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। बट अगर हम वाइट ड्रेस पहनते हैं तो हमको इतना गर्मी नहीं लगता है बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, है ना। नेक्स्ट हैंस एंड वन मोर थिंग दैट बफालो में स्वेट ग्लैंड इतने नहीं होते हैं, ठीक है। हैंस दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन वाटर। इसलिए उनको ज़्यादा गर्मी लगता है और वो अपने बॉडी को कूल करते हैं पानी में बैठ कर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैमल कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। कैमल बहुत गर्मी सह पाता है ना, एंड उनमें स्वेट ग्लैंड बिल्कुल नहीं होते हैं। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड। दिस हैव्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। अच्छा भी है स्वेट ग्लैंड नहीं होते, अगर स्वेट ग्लैंड होते तो वाटर का लॉस हो जाता है ना। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, और वो बिना पानी पिए बहुत दिन तक रह सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, कोल्ड रीजन में कुछ एनिमल्स रहते हैं, वार्म रीजन में कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, कोल्ड रीजन में पोलर बियर, पेंगुइन। ओके, सो नेक्स्ट सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर एनवायरमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैनॉट ग्रो विदाउट सॉइल। येस, ऑब्वियसली सॉइल अगर नहीं होगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेंगे, हम रहेंगे कहाँ पर, है ना। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। सॉइल वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करता है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। और हम सब सॉइल में ही रहते हैं, है ना। सो दिस इज ओवर। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।